हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशन। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल शैली के बारे में, बंगाल स्कूल के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे बंगाल शैली में किन किन शैलियों का सम्मिश्रण है, उसके प्रेरणा स्रोत कौन है, उसके संस्थापक कौन है, उनमें किन विषयों पर आधारित चित्र बने हैं। तो एक एक चीज़ हम लोग बंगाल शैली के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और पॉइंट वाइज भी क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पॉइंट वाइज ही पूछे आते हैं, तो वो चीजें भी हम लोग समझेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं बंगाल शैली। तो बंगाल शैली का सबसे पहले हम देखेंगे इनको किन किन नामों से बुलाते हैं, यानी कि बंगाल शैली को और किन नामों से हम बुलाते हैं। तो इसको हम ठाकुर शैली के भी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, ठाकुर शैली के नाम से बुलाते हैं, टैगोर शैली के नाम से भी बुलाते हैं, और पुनरुत्थान शैली के नाम से भी बुलाते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठाकुर शैली बोले, चाहे टैगोर शैली बोले, चाहे पुनरुत्थान शैली बोले, बात एक ही है। तो ठाकुर शैली और टैगोर शैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके संस्थापक ही कौन है, अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, और इसको आगे बढ़ाने का काम अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी किया था, और इसके अलावा जो उनके और भी शिष्य थे उन्होंने भी किया था। ठीक है, तो बंगाल शैली को किन किन नामों से बुलाते हैं, ठाकुर शैली, टैगोर शैली और पुनरुत्थान शैली। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे इसके प्रेरणा स्रोत कौन है। तो ईवी हैवेल, यानी कि बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं, प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं, ईवी हैवेल, और संस्थापक कौन माने जाते हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, जब ईवी हैवेल मद्रास स्कूल में प्रिंसिपल बने थे, आपको बताया था मैंने 1884 में ये मद्रास स्कूल में प्रिंसिपल बने थे, उसके बाद इनका ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, कलकत्ता कला विद्यालय में हो जाता है। ठीक है, तो मद्रास स्कूल में प्रिंसिपल बने थे ईवी हैवेल 1884 में, उसके बाद इनका ट्रांसफर एज अ प्रिंसिपल कहाँ हो जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में हो जाता है, वो सॉरी कलकत्ता कला विद्यालय में हो जाता है, जहां पर ये अवनींद्रनाथ ठाकुर से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो कलकत्ता कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ ठाकुर से ईवी हैवेल की मुलाकात होती है, फिर वहीं पर ये उनके संपर्क में आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो बंगाल शैली है इनमें किन शैलियों से प्रेरणा मिली है, यानी कि बंगाल शैली ने किन शैलियों से प्रेरणा पाई है, यानी कि प्रेरणा स्रोत शैली इनकी कौन सी है। तो बंगाल शैली की जो प्रेरणा स्रोत शैली कौन सी है, अजंता शैली हो जाएगी, मुगल शैली हो जाएगी और राजपूत शैली हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अजंता शैली और मुगल शैली और राजपूत शैली बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिए आप लोग ध्यान से कि बंगाल शैली को किन किन नामों से बुलाया जाता है, ठाकुर, टैगोर और पुनरुत्थान शैली के नाम से। इसकी प्रेरणा स्रोत कौन है, ठीक है, ईवी हैवेल है, संस्थापक कौन है, अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, और प्रेरणा स्रोत शैलियां कौन सी है, अजंता और मुगल और राजपूत शैली है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट में है, अब हम देखेंगे इनमें किन, यानी कि बंगाल शैली में किस तरीके के चित्र बने हैं, यानी कि किन विषयों पर आधारित चित्र बने हैं। ठीक है, तो बंगाल शैली में कई विषयों पर आधारित चित्र बने हैं, तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, जो प्राचीन कथाएं हैं उन पे आधारित भी चित्र बने हैं मतलब। ठीक है, तो विषय आपको ध्यान रखना, प्राचीन कथाओं पर आधारित चित्र बने हैं, धार्मिक कथाओं पर आधारित चित्र बने हैं, ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्र बने हैं और साहित्यिक कथाओं पर आधारित चित्र बने। ठीक है, यानी कि प्राचीन, धार्मिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर चित्र इसमें बने मिलते हैं, और इसके अलावा भी घरेलू जनजीवन पे भी चित्र बने मिलते हैं। ठीक है, तो घरेलू जीवन पे भी चित्र बने मिलते हैं, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो चित्र बने हैं, यानी कि जो बंगाल शैली में जो चित्र बने हैं, इसमें जो रेखाएं हैं वो बहुत ही कोमल और गतिपूर्ण रेखाएं बनाई गई हैं। ठीक है, बहुत ही कोमल, यानी कि बहुत ही लयात्मक, कोमल और गतिपूर्ण रेखाएं बनाई गई हैं। और हमें ध्यान रखना है कि इसमें किसको महत्व ज़्यादा दिया गया है, तो इसमें कल्पना पे ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कल्पना पे ज़्यादा जोर देने की वजह से इसमें जो रियलिटी है, यानी चित्रों में जो रियलिटी है, जो यथार्थता है, वो दूर हो जाती है। यानी कि कहीं पर भी हम अगर काल्पनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो वो रियलिटी से थोड़ा सा दूर चली ही जाती हैं। तो इसमें जो, यानी कि बंगाल शैली में जो किस पे महत्व दिया गया है, कल्पना पे ज़्यादा महत्व दिया गया है, इस वजह से ये यथार्थ से थोड़ा सा दूर है। फिर हमें ध्यान रखना है कि जो बंगाल
शैली में जो किस पे जोर दिया गया है, यानी कि स्केचिंग करने पे ज़्यादा जोर दिया गया, यानी कि जो बंगाल शैली को बढ़ावा देने वाले जो चित्रकार थे उन्होंने ये कहा कि आप स्केचिंग करते रहिए जिससे कि आपका हाथ साफ होगा। तो इस पे क्या है, खूब रेखांकन और स्केचिंग पे बल दिया गया है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या है, हमारे चित्रों में, हमारे बनाने के स्टाइल में, ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, गति आ जाती है, यानी कि लयात्मक जो है चीज़ें आ जाती है, लय आ जाती है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ है हम बराबर प्रैक्टिस करते रहें तो जाहिर सी बात है हमारी जो रेखाएं हैं वो क्या है, ऑटोमेटिक लयात्मक बनने ही लगती हैं। तो इस तरीके से इस पे किस पे जोर दिया गया है, स्केचिंग या रेखांकन पे जोर दिया गया है। अब हम बात करेंगे अवनीनाथ ठाकुर की कला पर किन शैलियों का प्रभाव था। तो अवनीनाथ ठाकुर की कला पर वेस्टर्न आर्ट का, ईरानी आर्ट का, चाइनीज आर्ट का, जैपनीज आर्ट का, मुगल आर्ट का और जनता आर्ट का प्रभाव था, यानी कि यूरोपीय कला का, ईरानी कला का और चाइनीज कला का, ठीक है, यानी कि चीनी कला का और जापानी कला का और मुगल कला का और अजंता कला का प्रभाव जो है अवनीनाथ ठाकुर की कला पे पड़ा था, ठीक है। इन्हीं के सम्मिश्रण से ही ठाकुर शैली बनती है, यानी कि इन्हीं के सम्मिश्रण से एक नई शैली बनी जिसका नाम क्या था, ठाकुर शैली, ठीक है। ठाकुर शैली बोलिए या बंगाल शैली बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इन्हीं के सम्मिश्रण से कौन सी शैली बनती है, ठाकुर शैली बनती है। तो अगर पूछा जाए कि ठाकुर शैली में किन किन चीज़ों का मिश्रण है, तो आप बता सकते हैं यूरोपीय आर्ट का, ईरानी आर्ट का, चाइनीज आर्ट का, जापानीज आर्ट का, मुगल आर्ट का और अजंता आर्ट का, ठाकुर शैली इसका मिश्रण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको पता है कि जब अवनीनाथ ठाकुर थे तो उनके समय में जापान के कलाकार आते हैं जिनका नाम क्या था, ओकाकुरा। फिर उसके बाद वो दो और कलाकार लाते हैं जिनका नाम क्या था, ताइकान और हिशिदा। तो पहले कौन आते हैं, ओकाकुरा आते हैं, कब आते हैं, 1902 में आते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1902 के आसपास आते हैं, ठीक है। क्या नाम था उनका, ओकाकुरा आपको याद रखना है, ये कौन से, आपको ऐसे याद रखना है, ओकाकुरा जापानी, ठीक है, ओकाकुरा जापानी कलाकार थे। उसके बाद में कौन से चित्रकार आते हैं, ताइकान और हिशिदा, ठीक है। उसके बाद कौन से आते हैं, ताइकान आते हैं और कौन से आते हैं, हिशिदा आते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनसे ये जो है जापानीज आर्ट सीखते हैं और चाइनीज आर्ट सीखते हैं, कौन, अवनीनाथ ठाकुर, ठीक है। तो अवनीनाथ ठाकुर ओकाकुरा, ताइकान और हिशिदा से जो है जापानीज आर्ट, जापानीज शैली सीखते हैं, तो इस वजह से इनकी शैली पर यूरोपीय प्रभाव माना जाता है। फिर हम बात करें कि अगर वॉश पद्धति की बात करी जाए तो जापान, यानी कि वॉश पद्धति कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। अगर आलेखन व रेखांकन पद्धति की बात की जाए तो वो चाइना से ली गई है। तो वॉश कहाँ से लिया गया है, जापान से, और आलेखन व रेखांकन कहाँ से लिया गया है, चीन से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बंगाल शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो बंगाल शैली की तो वैसे तो बहुत विशेषता थी, लेकिन जो है वॉश पद्धति पे ज़्यादा इस पे जोर दिया गया है, यानी कि ज़्यादातर इसमें चीज़ें वॉश पद्धति से हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि बंगाल शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी, वॉश पद्धति थी, ठीक है। तो वॉश पद्धति आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जल रंग का यूज हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तो जल रंग माध्यम से वॉश और टेम्परा माध्यम में, यानी कि जल रंगों से कौन से माध्यम में यूज हुआ है, वॉश और टेम्परा माध्यम में प्रयोग किया गया है। तो जल रंगों से किस किस माध्यम में यूज किया गया है, वॉश और टेम्परा माध्यम में प्रयोग किया गया है बंगाल शैली में, ठीक है। तो फिर से सुनिए, जल रंग के जरिए वॉश और टेम्परा माध्यम से चित्र बनाए गए हैं बंगाल शैली में। नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल शैली को सहयोग प्रदान करने में दो संस्थाएं थी, यानी कि बंगाल शैली को बढ़ावा देने के लिए दो संस्थाएं खोली गई थी। कौन कौन सी संस्था थी, एक तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, यानी कि बंगाल शैली में दो संस्थाएं थी, यानी कि बंगाल शैली को बढ़ावा देने के लिए दो संस्थाएं थी, कौन कौन सी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और दूसरी कौन सी, इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की हम बात कर लेते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना हुई थी, यानी कि ये संस्था थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में स्थापना हुई थी। अब देखिए इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं पर किसी बुक में आपको मिल जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, ईवी हैवेल ने की थी, ठीक है। तो ईवी हैवेल कहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ईवी हैवेल की सहायता से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की थी गगेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, ठीक है। तो आप वहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, ईवी हैवेल अगर दिया है तो ईवी हैवेल भी आप लगा सकते हैं, अगर गगेंद्रनाथ ठाकुर दिया है तो वो तो आपको लगाना ही है। तो अब किसी बुक में जैसे कि आप देखेंगे कि जो रीता प्रताप की बुक है उसमें ईवी हैवेल दिया है, अदर बुक में जो है गगेंद्रनाथ ठाकुर दिया है,
और एक जगह पर अवनीनाथ ठाकुर भी दिया है, यानी कि अगर आप उपकार की जो सेट पेपर वगैरह नहीं आते हैं तो उसमें दिया है कि अवनीनाथ ठाकुर ने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर कमेंट बॉक्स में जो है ऐसे ऐसे इश्यूज़ आने लगते हैं कि ईवी हैवल ने की थी, आप तो गगनेंद्रनाथ ठाकुर बता रहे हैं। अगर मैंने गगनेंद्रनाथ ठाकुर बता दिया तो कुछ लोग कहेंगे ईवी हैवल ने की थी, तो इसलिए आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना ईवी हैवल की सहायता से गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, कब की थी, 1907 में की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपको ध्यान रखना है, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है तो उसके संस्थापक कौन थे, यानी कि उनके पहले अध्यक्ष, संस्थापक नहीं, उनके पहले अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड किचनर थे। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको किचनर को याद रखना है। ठीक है, तो किचनर इसके पहले अध्यक्ष थे। अब हम बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो संस्था थी उसमें कितने मेंबर थे, आपको ये ध्यान रखना, तो इसमें 35 मेंबर थे, जिसमें 5 जो थे वो इंडियन थे और जो 30 यानी कि 30 जो थे वो क्या कहते अंग्रेज थे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इंडियन सोसाइटी ऑफ जो ओरिएंटल आर्ट जो संस्था थी जिसने बंगाल शैली के सहयोग, बंगाल शैली को बढ़ावा देने में सहयोग किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, किचनर थे, और उसमें 35 जो है सदस्य थे, जिसमें 5 जो है भारतीय सदस्य थे, 5 भारतीय सदस्य थे और 30 क्या थे अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और चीज़ें हम लोग ओरिएंटल आर्ट में देख लेते हैं कि ओरिएंटल आर्ट ने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, प्रकाशन शुरू किया था, ओरिएंटल आर्ट ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था जिसका नाम क्या था, रूपम पत्रिका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रूपम पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, कब शुरू किया था, 1919 में। ठीक है, तो 1919 में रूपम पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने। ठीक है, और जिसके संपादक कौन थे, ओसी गांगुली थे। ठीक है, तो ओसी गांगुली जो है इसके संस्थापक थे, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो फिर से रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीजें मैंने बोली कि बंगाल शैली को सहयोग किसने प्रदान किया, 2 संस्थाएं थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट थी, नेक्स्ट कौन थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1907 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, किचनर थे, और उसमें 35 सदस्य थे, जिसमें 5 इंडियन थे और 30 अंग्रेज थे, 5 भारतीय थे, 30 अंग्रेज थे। और आपको ये चीज ध्यान रखनी, उसने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था जिसका नाम क्या था, रूपम पत्रिका, कब शुरू किया था, 1919 में शुरू किया था, और जिसके संपादक कौन थे, ओसी गांगुली थे। तो ओसी गांगुली रूपम पत्रिका के संपादक थे। इस तरीके से आज हम लोगों ने बंगाल शैली के बारे में पढ़ा, एक एक चीज़ हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी तरीके से अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।